से निकल जा रहा है, अगर वो बुलेट से जा रहा है उसके साइलेंसर में आवाज तेज है, आप भी बुलेट पे ही बैठे हो, बैठे आप भी बुलेट पे हो, उनकी नीली बुलेट है, अब बस ये क्या नाम है? जावेद खान नाम है हमारा। क्या मामला है? मामला कल रात में हमारा बेटा जो है पास में जो है ये पटाखे की एक बाज़ार लगती है, वहाँ पर पटाखे खरीदने के लिए गया था और वहाँ पर कुछ ये भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनके बेटे जो है ये बैठे हुए थे और हमारा बेटा चूँकि जो है बुलेट से गया हुआ था तो उनको शायद बुलेट की आवाज़ नहीं पसंद आई, इसलिए जो है वो बुलेट के साउंड को लेकर के गाली गलौज हुई। और चूँकि हमारे बेटे की उम्र अभी 15 साल है तो उसको लेकर के बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ा दी कि वहाँ पर गाली गलौज हुई, हाथापाई हुई और हमारे यहाँ एक लड़का है कन्हैया जो कि हमारे पास नौकरी करता है उसको भी जो है मारा पीटा, जो कि वो एक दलित समाज से हैं उसको भी गाली गलौज किया, मारा पीटा। और उसके बाद फिर जो है ये लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए, वहाँ पर 250-300 लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद फिर जो है वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए, नारे लगाने के बाद फिर जो है ये सीधे थाने पहुँच गए, थाने पर जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना दबाव बनाया, दबाव बनाने के बाद फिर जो है इन लोगों ने हमारे भाइयों के खिलाफ झगड़ा, हमारे छोटे बेटे, हमारे बेटे का है जिसकी उम्र 15 साल है, वो नाबालिग है, अभी पढ़ने वाला बच्चा है, वो 8वीं की क्लास में पढ़ता है, उसको टारगेट ना करते हुए हमारे भाइयों के खिलाफ अर्जन एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया। अब चूँकि जो है भाजपा की सरकार है और हम समाजवादी कार्यकर्ता हैं और पुलिस प्रशासन आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही असहाय नज़र आ रही है, पुलिस प्रशासन जो है उनके पूरे दबाव में है और हम लोगों की जो है सुनने को तैयार नहीं है। हमारे ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो लोग ऑफिस आते हैं हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं, हमारे ऑफिस में जो है पेट्रोल डाल देते हैं, अगर पुलिस मौके पर ना आ जाती तो शायद हमारे ऑफिस में आग लगा देते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन अराजक ये जो लड़के हैं, ये जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा ये किसी का होटल तोड़ देते हैं, किसी का ऑफिस तोड़ देते हैं, किसी को गाली देते हैं, इस तरीके की ये हरकतें करते फिर रहे हैं। और अगर इनके ऊपर अंकुश न लगाया गया तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में ये पूरा बाराबंकी ज़िला ये जला कर राख कर देंगे।